जब आप सोचते हैं जिंदगी बड़ी जबरदस्त है, हम बहुत खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यस एवरीथिंग इज कंटेंडेड, कनात पन असद, जब पूरी कायनात में, जब मैंने हदीस मुबारक का मफहूम पढ़ा कि जब इंसान नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह सुबहान व तआला किराम लिख डालो, मैं इतना ही नाम, जैसे मैं आपसे कहूँगा इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को हज की सादत पे लेके जाऊँगा, इरादा कर रहा हूँ, क्या हो गया तो फिर कह रहे सोच रहा हूँ ना, अल्लाह फरमाए लिख दे जल्दी, मेरे को इतनी बड़ी कामयाबी, क्यों इतना इनाम? जब मैंने इस वाइब्रेशन को पढ़ा, ये पूरी कायनात में जाती है, जो लोग डिसअपॉइंटमेंट का, मायूसी का, रिसेंटमेंट का है, गर्व का, दुख का शिकार होते हैं, उनकी वेव्स को कम करो, जिंदगी की तरफ वापस लेके आते, आपने अल्लाह के बंदों की जान बचा ली, फील एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, अल्लाह तआला लाख लाख शुक्र। होता क्या है, जब हम फारिग बैठते हैं परेशानियों को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये जितना दुखी रहना आसान है, इतना खुश रहना भी बड़ा आसान है। आप जब भी बैठे ना, अल्लाह की रहमतों को गिनना शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला इस हाथ पर ही दिल मुतमईन हो जाएगा, बड़ी सुकून की नींद आएगी। या अल्लाह तूने मुझे मुकम्मल इंसान बनाया है, या अल्लाह मुझे इल्म दिया, या अल्लाह मुझे बच्चे दिए, या अल्लाह तूने है जी, इंशाअल्लाह तीसरी चीज़ में तुम्हें तो यहाँ तक पहुँचता हूँ तो बड़ी सुकून की नींद आ जाती है, अल्लाह का शुक्र है तेरी मेहरबानी, मेरा तो बैठ इंसान हूँ मैं भी भाई, डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होता हूँ मैं तो, अल्लाह की रहमतें गिरता हूँ, ये बस यहाँ तक पहुँचता हूँ तो बस, फिर कोई ख्वाहिश नहीं रहती, अल्लाह वो भी दे दे, नहीं नहीं बस बस तूने बहुत नवाज दिया, हम इस काबिल कहाँ थे? तो हमने सबसे पहले अपने दिल को खुश रखना। नेक्स्ट कीजिएगा,